हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मास्टर मुसैब और मैं आज आपके लिए लाया हूँ फुल बॉडी वार्म अप। ये मार्शल आर्ट का वार्म अप है और यही वार्म अप मैं रेगुलर करता हूँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। तो पहले हम वार्म अप पैरों से स्टार्ट करेंगे। स्पॉट जंप, देन नेक्स्ट स्टेज। अभी हमको करना है हाई जंप करना है, ये भी हमको 10 times करना है। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के फिटनेस वर्कआउट के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इसी तरह के फिटनेस वर्कआउट के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी साइड टू साइड टू टच। टू टच करेंगे साइड टू साइड 10 times। स्किल है हमारी अल्टरनेट टो टच करना है और ऊपर वाले हैंड को हमें देखना है। रेडी स्टार्ट 10 times। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4 count है। हम शुरू करेंगे 4 count।
फ्रंट टाइम। डाउन करना है, इसके अंदर आपको आपका सर हिलाना नहीं है। एक्सरसाइज है हमारी साइड सीट अप। साइड सीट अप हमें 10 टाइम्स करना है, हैंड स्ट्रेट रखना है और साइड टू साइड सीट करना है 1। ये लेग हमें स्ट्रेट रखना है, नी बेंड नहीं करना है 2। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी लेग की और स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। एक्सरसाइज हमारी हॉर्स पंपिंग। हॉर्स पंपिंग के अंदर हमें साइड टू साइड लेग को करना है 90 डिग्री, लेग को बेंड रखना है, अदर लेग स्ट्रेट रहेगा, नी स्ट्रेट रखना है पूरा अच्छे से। स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ, राइट लेग आपका स्ट्रेट राइट हैंड को टच होगा और लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड को टच होगा। इसके अंदर आपको नी बेंड नहीं करना है, लेग स्ट्रेट रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हैंड स्ट्रेट 10 टाइम्स, स्ट्रेट लेग स्विंग। अभी हमारा राइट लेग राइट हैंड को टच होगा और लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड को टच होगा। शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हमारा आउट टू इन सर्कल है। आउट टू इन सर्कल के अंदर हमें हैंड ऐसे साइड में स्ट्रेट रखना है लाइक दिस और सर्कल बनाकर राइट लेग आपका सर्कल बनाकर लेफ्ट हैंड को टच होगा और लेफ्ट हैंड सर्कल बनाकर राइट हैंड को टच होगा। स्टार्ट करेंगे 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इनटू आउट। इनटू आउट के अंदर हमको अपोजिट लेना है, अंदर से बाहर की तरफ सर्कल बनाकर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग टच होगा और राइट हैंड को राइट लेग टच होगा। तो हम शुरू करेंगे 10 टाइम्स करना है ये भी एक्सरसाइज। स्टार्ट
फ्रंट बैक, ये भी हमें 10 times करना है। देन लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, किक बैलेंस करना है फ्रंट साइड देन बैक, बोथ लेग का करना है हमें। सो हम सपोर्ट लेकर करेंगे ना ये चीज़, हम यहाँ पर हम सपोर्ट के लिए है नहीं, तो हम यहाँ पर बीम पर करेंगे सपोर्ट लेकर। आपको स्ट्रेट लेग रखना है और दोनों लेग को स्ट्रेट रखना है, नी स्ट्रेट रखना है और कोशिश करना है कि आपको हेड टच करने की कोशिश करना है। 10 सेकंड होल्ड करना है इसके अंदर हमें। करना है अभी अदर लेग करेंगे, ये भी 10 सेकंड होल्ड करना है। नेक्स्ट हमारा साइड की बैलेंस करना है, साइड की बैलेंस के अंदर हमें बॉडी साइड में टर्न रखना है, देन किक बैलेंस करना है लाइक दिस। नेक्स्ट अदर लेग का करना है साइड की बैलेंस, साइड टर्न लेना है, बैलेंस करना है लाइक दिस। ये भी हमें 10 सेकंड होल्ड करना है। देन हमें करना है बैक किक बैलेंस करना है, बैक किक बैलेंस करेंगे, बॉडी टर्न करना है, बॉडी से टू टच करना है। अदर लेग का करेंगे हम सेम पोजीशन में, किक बैलेंस करना है और टोटल करना है। इसमें आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, बैलेंस भी इंक्रीज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसके बाद हमें लेग ज्वाइंट करना है और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, ये भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है सेम पोजीशन में। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप हेड भी टच कर सकते हैं इनको, ये भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है सर लगाकर। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड इसी तरह के फिटनेस वर्कआउट के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बूस्ट होगा। तो फ्रेंड घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्टे सेफ, स्टे होम, बी स्ट्रांग।